हाय फ्रेंड्स, आज है मंडे और हर मंडे की तरह मैं आज भी आपके लिए लाई हूँ एक मंडे मोटिवेशन स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है द कंफ्यूज्ड कैमल। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला और मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ आज की स्टोरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। सो आज की स्टोरी है दो ऊँटों की। एक है मदर ऊँट और एक है बेबी ऊँट। बेबी ऊँट यानी ऊँट का बछड़ा और एक उसकी मदर। एक बार एक बेबी कैमल यानी ऊँट का बछड़ा अपनी माँ ऊँटनी से पूछता है, मम्मी मम्मी हमारे पीठ पर ये हम्प क्यों है? तो जो मदर ऊँट है वो उसको बताती है, हम रेगिस्तान में जब रहते हैं तब कई बार वहाँ पर खाना नहीं होता, पानी की कमी होती है। इस हम्प में हम फैट को स्टोर करते हैं जो हमें एनर्जी देता है, और जब हमारे पास खाने और पीने की कमी होती है तो हम सर्वाइव कर पाते हैं कई दिनों तक बिना किसी पानी के, बिना किसी खाने के। तो जो बेबी कैमल होता है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो पूछता है, ओके तो हमारी टांगे इतनी लंबी क्यों हैं और हमारे पैर इतने गोल क्यों हैं? इस पर मदर कैमल बोलती है, ये इसलिए ताकि हम रेगिस्तान में आराम से चल सकें। ये सुनकर बेबी कैमल कुछ सोच में पड़ा और फिर उसने बोला, और हमारे आईलैशेस ये इतनी बड़ी क्यों हैं? इससे मुझे कई बार प्रॉब्लम होती है मामा। तब मदर कैमल ने समझाया, ये बड़ी और मोटी आईलैशेस तुम्हारी आंखों को बचाएंगी रेत से, सैंड से, खासकर जब रेगिस्तान में बहुत हवा चल रही हो और बहुत सारी रेत उड़ रही हो, कोई सैंड ड्यून्स आ रहे हो, तो इन मोटी आईलैशेस के कारण तुम्हारी आंखों में वो मिट्टी नहीं जाएगी। ये सुनकर बेबी कैमल बहुत कंफ्यूज हो गया और उसने परेशान होकर कहा, अगर हमारा हम्प रेगिस्तान में खाना स्टोर करने के लिए है, हमारे पैर रेगिस्तान में चलने के लिए बड़े और गोल हैं, और हमारी आईलैशेस रेगिस्तान में हमारी आंखों को तेज हवा से बचाने के लिए है, तो हम इस जू में क्या कर रहे हैं? फ्रेंड्स, इस कहानी का मोरल ये है कि अगर आप सही जगह पर सही टाइम पर हैं तभी आपका टैलेंट यूजफुल है, तभी आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी जू में बैठे इसी कैमल की तरह बिता देते हैं, ये सोचते हुए कि उनके पास कोई स्पेशल स्किल ही नहीं है। रेगिस्तान में एक ऊँट जितनी तेज दौड़ सकता है वो कहीं और नहीं दौड़ पाएगा। तो एक बार सोचिए, आप क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, और जहाँ पर आप अभी हैं क्या आपके स्किल्स वहाँ के लिए सूटेबल हैं? अगर नहीं तो कंसिडर करिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी सुपर पावर्स को यूज़ कर पाएंगे। हर इंसान के पास एक ऐसा स्किल ज़रूर होता है जिससे वो कुछ अलग कर सकता है, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के दिए हुए पिंजरे में फंस जाते हैं और सोच लेते हैं कि हम बेहतर नहीं हो पाएंगे, हमारा दायरा इसी पिंजरे के अंदर है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इससे अगर कुछ सीख ली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी रिकॉग्नाइज कर सके कि कहीं वो किसी पिंजरे में तो नहीं है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।